तू मेरा जिस्मो जान है, मेरी जान इंडिया, 100 जान से भी तुझ पे हूँ कुर्बान इंडिया, हिंदू सिख ईसाई वो मुसलमान इंडिया, ये सब की सब है तेरी ही संतान इंडिया, तेरी जमी पर रहने के काबिल ही वो नहीं, करता नहीं है जो तेरा सम्मान इंडिया, महफूज हर बला से रहेगी तू, इसलिए भगवान खुद है तेरा निगहबान इंडिया। समा सच्चाई की हर राह पे जलाते जाए, गुल मोहब्बत व अकीदत के फूल खिलाते जाए, महापुरुष हमें देते रहे हैं संदेश यही, जो उठे जुल्म का सर उसको मिटाते जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अब घर में जो है श्री कृष्ण भगवान पधारे हैं, तो क्या कहेंगे सुनते हैं रंदा इस पर। 16 कलावतारी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस अष्टमी पर सभी देशवासियों को आई इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार पापाचार बढ़ता है, तब तब मनुज रूप में ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों पुराणों में भी कहा गया है। जब मथुरा के राजा कंस का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ा, तो पृथ्वी ने गौरूप धारण कर भगवान विष्णु के पास जाकर करुण पुकार की। हे नाथ सुनो यह दर्द भरी, हे नाथ सुनो यह दर्द भरी, आवाज कहाँ से आती है, तुम चैन से भगवान सोते हो, दुनिया ये उजड़ी जाती है। भगवान विष्णु पृथ्वी के कथन को सुनकर कहा कि जाओ, मैं पृथ्वी को राक्षस विहीन कर पापों से मुक्त कराऊंगा। भगवान विष्णु ने कंस की बहन देवकी के गर्भ से उस समय जन्म लिया जब देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में उन्हें डाल रखा था। जेल में जन्मते ही जेल के फाटक खुल गए और वासुदेव अपने मित्र नंद बाबा के वहाँ गोकुल अर्धरात्रि में पहुँचाए, जहाँ उनका पालन पोषण माँ यशोदा ने किया। भगवान कृष्ण की मनोहारी लीलाओं के मंजन को देखकर आज वही लोग भाव विभोर हो जाते हैं। आगे चलकर भगवान कृष्ण ने अघासुर बकासुर पूतना तथा कंस समेत अनेकों राक्षसों को मारकर पृथ्वी को पापमुक्त किया। उन्होंने जहां गोपियों के साथ रासलीला रचाया, वहीं उन्होंने सुदामा जैसे गरीब मित्र के साथ मित्रता की बेमिसाल नजीर पेश की। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी बसाया और महाभारत की लड़ाई में न सिर्फ पांडवों का साथ दिया, बल्कि अर्जुन के रथ के सारथी बने और उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ परंपरागत ढंग से मनाया गया। गांव-गांव, घर-घर ढोल व आकर्षक झांकियां बनाई गई, उनका पूजन अर्चन कर प्रसाद वितरण किया गया। सीतापुर कारागार, पुलिस लाइन मंदिर, 11वीं व 27वीं वाहिनी पेशी मंदिर में भी बनाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। अनेक स्थानों पर वृंदावन मथुरा के कलाकारों ने जहां कृष्ण राधा से जुड़े प्रसंगों पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की, वहीं उन्होंने रासलीला व नाटकों का मंचन बड़े ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया। रंदा भगवान श्री कृष्ण लीलाओं के अंतर्गत दही से भरी मटकी फोड़ने का ये कीर्तन भी सुन रखा है। मनमोहन नंद किशोर कुंजन में दहिया लूटी, मनमोहन नंद किशोर कुंजन में दहिया लूटी, कुंजन में दहिया लूटी मटकी ये मोरी फोरी, कुंजन में दहिया लूटी मटकी ये मोरी फोरी, अरे धरी कै बहियों दीन मिरोरी, कुंजन में दहिया लूटी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का महाकवि सूरदास, रसखान, नरोत्तम दास सहित अनेकों कवियों व शायरों ने बड़े ही मार्मिक ढंग से
अपनी कविताओं में चित्रित किया है। भगवान श्री कृष्ण सभी भारतीयों को सुख संपन्नता दें, यही रंदा की उनसे विनती है। बिल्कुल, तो जन्माष्टमी के पर्व पर जो है आई इंडिया के परिवार की ओर से सभी देशवासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं, और रंदा यह सभी भारतीयों को सुख संपन्नता देने के लिए भी जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना शीश झुकाता है और उनसे विनती करता है कि सभी भारतवासी जो है उनको सुख संपन्नता प्रदान करें। अगली खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर ऐसी कार्रवाई करे जो बने नजीर। फिलहाल योगी आदित्यनाथ जो है बाबा बुलडोजर के नाम से हमेशा मशहूर रहते हैं, और अब उन्होंने बिल्कुल जंगसी कस दी है कि अब जो गरीबों पर जो गरीबों की जमीन जो है उस पर कब्जा करेगा या उनको जो भूमाफिया रखेगा उस पर ऐसी कार्रवाई हो जो एक अलग नजीर बन जाए। तो इस नजीर पर क्या कहेंगे, सुनते हैं। ये रही कोई मर्दों वाली बात, सीएम बाबा बुलडोजर जी, रंदा आपके इस वक्तव्य को सुनकर फूलकर कुप्पा हो गया है। आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आप वास्तव में हो दमका जहूरा और बाकी नेता निचुल्ली हैं घास का कूड़ा। आपके इस बयान को सुन रंदा सरीखे गरीबों का मन बाग बाग हुआ कि चलो मेरी किस्मत में बची थोड़ी बहुत जमीन पर कोई कब्जा की हिम्मत न करे। सीएम साहब ने कड़ा फरमान तो सुनाया है, वैसे गरीबों की सुनता ही कौन है। शासन प्रशासन में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग गरीबों को निबरे की जोइया सबकी सराहज मानकर उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते। रंदा मुख्यमंत्री जी से अपील करता है कि आप व्यापक जनहित में पता करवा लें कि गरीबों की जमीनों पर अब किस दल के अधिकांश लोग काबिज हैं। रंदा अपने जिला सीतापुर में ही देख रहा है कि अनेक भाजपा नेता गरीबों की जमीनों की कौन कहे, सरकारी जमीनों, वनभूमि की जमीनों तथा धार्मिक स्थलों में लगी ट्रस्टों की जमीनों तक पर कब्जा जमाए हैं। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, दबंग व सत्ताधारी दलों से जुड़े अनेकों लोगों ने चक्रोड़, तालाबों, खलिहानों तथा ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। वहीं शहरी व कस्बाई क्षेत्रों में स्थित तालाबों को पाट कर तथा नजूल की भूमि पर आलीशान इमारतें तथा व्यवसायिक भवन बना रखे हैं। पार्कों तक की जमीनों को नहीं छोड़ा जा रहा है। शहर के नालों पर भी अतिक्रमण किया गया है। सीएम महोदय, जो जमीन माफिया और सरकारी गैर सरकारी तथा गरीबों की जमीन पर कब्जा करके आपकी भगवा पार्टी में शामिल हैं, वो वास्तव में भाजपा में रहकर अपनी कब्जाई जमीनों को शासन प्रशासन की कार्रवाई से बचाने का कार्य कर रहे हैं। वो जैका टेम्पो हाई वही हमारा भाई के फार्मूले पर चलने वाले भूमाफिया सत्ता बदलते ही दूसरे दल का झंडा थाम लेते हैं, क्योंकि उनका मकसद न तो किसी पार्टी की विचारधारा से है, उनका मकसद तो सिर्फ कब्जाई गई सरकारी गैर सरकारी जमीनों को बचाना है। सत्ता में रहते इन भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में प्रशासन भी हिचकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका हर आदेश जनता के हित में होता है, लेकिन आपके आदेश को जमीनी स्तर तक जिस प्रशासन को लागू करना चाहिए उसकी मॉनिटरिंग भी आप द्वारा कराई जानी चाहिए। आपके आदेश के बाद यदि कोई भी पीड़ित गरीब की जमीन पर दबंग द्वारा कब्जा किए जाने की बात आपसे कहता है तो उस जिले के संबंधित अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाए। हमारे सीतापुर नगर में सराय नदी के किनारे की जमीन जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है उसे न सिर्फ बेच दिया गया है बल्कि उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है और लोग अपने मकान भी बना चुके हैं। इन अवैध रजिस्ट्रियों की जांच जनहित में कराना जरूरी है। आपका आदेश अगर ईमानदारी के साथ लागू नहीं हुआ तो रंदा आप जैसे संत मनीषी मुख्यमंत्री के इस बयान को प्रवचन के अलावा और कुछ नहीं मानेगा। सीएम साहब, आपके इस वक्तव्य की रंदा तहे दिल से तारीफ करते हुए आपका सम्मान शायर महफूज रहमानी की इस मुक्तक से करता है। समस्त सच्चाई की हर राह पे जलाते जाए, गुल मोहब्बत व अकीदत के फूल खिलाते जाए, महापुरुष हमें देते रहे हैं संदेश यही, जो उठे जुल्म का सर
उसको मिटाते जाए। बिल्कुल, तो जिस तरह से सीएम योगी और बाबा बुलडोजर जिन्हें कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया कि गरीबों की जमीनों पर जो कब्जा करे हो या कब्जा करने की नियत रखते हो तो उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बन जाए। फिलहाल रंदा ने बताया है कि आप कहीं दूर मत जाइए, आप सीधे सीतापुर आइए और सीतापुर में उन जमीनों को देखिए जिन्हें खुद आपके ही भाजपा में शामिल नेताओं ने जो है काबिज यानी कि कब्जा कर रखा है। सिंचाई विभाग की जमीन है उसको भी जो है उसकी रजिस्ट्री करा दी गई है। रजिस्ट्री कैसे कराई? अवैध रूप से ही कराई गई होगी, अब उसमें मकान भी बन गए हैं। चाहे कोई भी भूमि हो वो भूमाफिया के कब्जे में ही है, वो भी कौन है? आप ही के पार्टी के लोग हैं। तो आप कहीं मत जाइए, किसी पर कार्रवाई ना करें, सबसे पहले आप अपने जो आपके नेता हैं उन्हीं को देखें, यानी कि अपने ही दामन में देखें, उस पर कार्रवाई करें और कार्रवाई के साथ अधिकारियों पर भी गाज गिराने का काम करें। अगली खबर, जहां भारत पर बिफरा विपक्ष, सरकार पर देश का नाम बदलने पर लगाया आरोप। अब जो देश का नाम बदलने पर विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेगा, सुनते हैं रंदा। जग में सुंदर है दो नाम और चाहे कृष्ण कहो या राम, इसी प्रकार देश का नाम चाहे भारत कहो या इंडिया कहो, हिंदुस्तान या आर्यावर्त कहो, क्या फर्क पड़ता है। देश में ये चारों नाम बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम की तरह पवित्र हैं। इस पर विवाद खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस देश में अनेक धर्म हैं उनकी पूजा इबादत पद्धत अलग अलग है, लेकिन सच्चे अर्थों में सबका मालिक एक ही है। विपक्ष ने अपने सियासी गठबंधन का नाम इंडिया क्या रखा कि भाजपा को अज्ञात भय सताने लगा और वो इंडिया को हटाने और भारत रखने पर उतर आया। आखिर उतरे क्यों नहीं? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया है देश को भारत के नाम से ही पुकारो। मोदी सरकार तो वही करेगी जो आरएसएस चाहेगी। करीब 9 साल से अधिक समय से देश पर भाजपा राज कर रही है। आज़ादी का अमृत काल का भी समापन हो चुका है, अभी तक भाजपाइयों को इंडिया शब्द से कोई दिक्कत नहीं हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सही ना जाने कितनी सरकारी गैर सरकारी योजनाओं व संस्थाओं का में इंडिया शब्द जुड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भाजपा ने साइनिंग इंडिया का नारा दिया। मोदी सरकार ने खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सही ना जाने कितने कार्यक्रमों के नाम इंडिया शब्द से जुड़े। लेकिन जैसे ही विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा और विपक्षी सरकार की योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर हुए, राहुल गांधी ने पीएम के उद्योगपति मित्र गौतम अडानी पर 20,000 करोड़ धन के मामले में बात उठा दी तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने लगी और इंडिया शब्द हटाने की बातें शुरू हो गई। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया। अगर देश का नाम इंडिया अंग्रेजों द्वारा रखा गया नाम है और आप इस नाम को गुलामी का प्रतीक मानते हैं तो इंडिया शब्द पर रोक लगाने से पहले देश में सबसे पहले अंग्रेजी भाषा पर रोक लगाई जाए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कराइए, आपकी प्रशंसा होगी। रंदा ने विपक्ष को भी सलाह दी है कि वो भाजपा व आरएसएस द्वारा बिछाई जा रही सियासी चौसर चालों में न फंसे। जनता के प्रमुख मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था तथा अन्य ज्वलंत समस्याओं की को जोर शोर से उठाए, नहीं तो ये सियासी कलाकार आपको गैर जरूरी बकवासी मुद्दों में फंस कर जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटका देंगे। रंदा देश के सभी नामों का दिल से सम्मान करता है, कहाँ देश का नाम इंडिया और कहाँ विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया। लगता है कि सियासी भाजपा अब कलाकंद और शकरकंद में अंतर करना ही भूल गई है। रंदा उन्हें नेक सलाह देता है कि वो चुनाव नजदीक देख जनता में राहत वाले कार्य करें, अधूरी योजनाओं व विकास कार्यों को पूर्ण कराएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आवारा पशुओं की समस्याओं पर ध्यान दें, आपको वोट मिलेगी। जितना आप लोग इंडिया पर ऊल-जुलूल बहसबाजी करेंगे उतना ही अधिसंख्य भारतवासी शायद महफूज रहमानी की
इंडिया शीर्षक से लिखी कविता को तराने के साथ गाएंगे। आप हर मुंह पर ताला तो लगा नहीं सकते। तू मेरा जिस्मो जान है, मेरी जान इंडिया, 100 जान से भी तुझ पे हूँ कुर्बान इंडिया, हिंदू सिख ईसाई वो मुसलमान इंडिया, ये सबकी सब है तेरी ही संतान इंडिया, तेरी जमी पे रहने के काबिल ही वो नहीं, करता नहीं है जो तेरा सम्मान इंडिया, महफूज हर बला से रहेगी तू, इसलिए भगवान खुद है तेरा निगहबान इंडिया। बिल्कुल, महफूज हर बला से रहेगी तो इसलिए भगवान खुद है तेरा निगाहबान इंडिया। तो रंदा ने कहा कि इंडिया और भारत दोनों एक ही है, तो देशवासी रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आपको बात करनी है तो इंडिया नाम बदल के नहीं होगा, आप विकास के मुद्दों पे बात करें, विकास करें देश का जो है, जिससे कि तभी आपको वोट भी मिलेंगे, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गठबंधन जो है उसने अपने गठबंधन का नाम जो है इंडिया रखा है, ये जरूर जो है तब से भारत में जो है यानी कि एनडीए में और मोदी सरकार में जो है इस पर बहस छिड़ी हुई, क्योंकि इंडिया नाम से उनको कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तब से जो है भाजपा की सरकार जो है उसे इंडिया नाम से जो है एक अलग सा मोह भंग हो गया। उन्होंने जो है जो नारे दिए थे उस नारे के तहत अब वो जो है भारत की बात करते हैं। लेकिन अगर रंदा ने यह भी कहा है कि जिस तरह से अगर उनको लगता है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने रखा था, तो सबसे पहले बात जो अंग्रेजी भाषा है उसको हटाएं और हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसका चलन पूरी तरीके से जो है किया जाए, यानी कि भारत देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा ही जो है प्रचलित हो और चलनायमान भी वही हो, क्योंकि तो इंडिया नाम बदलने से नहीं, भारत अपना देश है, भारत और इंडिया सभी एक है। तो आज का रंदा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर आई इंडिया को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन को करें ऑन। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर एक छोटी से बड़ी खबर आप तक कब आपके मोबाइल आपके टीवी स्क्रीन पर मिलती रहेगी। आप दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदे के कार्यक्रम में। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।